हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कल हम एक 450 या 400 वाट का ड्राइवर सर्किट की एसटीडी हमें वहाँ पर कर चुके थे, यानी डायग्राम सर्किट को अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया था। तो आज उसी की आउटपुट स्टेज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारी आउटपुट स्टेज होती है, यदि हम यहाँ पर बात करें जो हमारे 5243 के ट्रांजिस्टर होते हैं, यदि इनके हम सिंगल पेयर यूज करते हैं तो करीब हमें 100 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाती है। तो इसी प्रकार से यदि हमें 400 वाट की आउटपुट चाहिए तो करीब 4 पैक की हमें यहाँ पर आउटपुट स्टेज को लगानी होगी। तो यहाँ पर जो आप आउटपुट स्टेज देख रहे हैं, ये करीब आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पैक की आउटपुट स्टेज नज़र आ रही है। तो यानी करीब आपको इस आउटपुट स्टेज से करीब 700 वाट की या फिर 750 वाट की आउटपुट आराम से मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हम केवल 4 पैर को ही समझने वाले हैं। केवल यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर आपको 7 पैर की आउटपुट स्टेज आपके सामने रखी है। तो देखिए, आउटपुट स्टेज में पूरे पॉइंट कितने होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लस सप्लाई का देखने को मिल जाता है, फिर इसके बाद बी प्लस यानी जो हमारे बेस होता है सभी ट्रांजिस्टरों के बेस, उसका वायर आपको एक देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको फीडबैक का देखने को मिल जाता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर बी माइनस यानी जो नेगेटिव साइड ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उनके बेसों का एक वायर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर माइनस सप्लाई देखने को मिल जाती है, और आपको यहाँ पर GND भी देखने को मिल जाती है। तो देखिए, यदि हमारे एम्पलीफायर यानी जो सर्किट डायग्राम है यानी ड्राइवर बोर्ड में यानी जो पूरा सर्किट डायग्राम है, यदि उसमें VI लिमिटर का ऑप्शन है ड्राइवर बोर्ड में, तो यहाँ पर एमीटर 1 और एमीटर 2 भी निकल आते हैं। अदरवाइज हमारे जो सर्किट जो कल हमने उस सर्किट की STD की थी उसमें VI लिमिटर का ऑप्शन नहीं रखा गया था। और VI लिमिटर क्या होता है इस पर भी एक DTL वीडियो है चैनल पर, तो यदि आपने वो नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके सामने ड्राइवर बोर्ड का सर्किट नज़र आ रहा है, जो ये यहाँ पर एक आउटपुट स्टेज भी नज़र आ रही है, यानी जो इतना सेक्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ये हमारा ड्राइवर बोर्ड कहलाता है। और इसके बाद जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जहाँ से हमें स्पीकर के लिए आउटपुट मिलता है उसे हम आउटपुट स्टेज बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक पैर की आउटपुट स्टेज को यहाँ पर समझाता हूँ, उसी प्रकार से ये सारे ट्रांजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जो कि यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर जो कि 5200 है, इस साइड एक PNP ट्रांजिस्टर है जो कि 1943 का ट्रांजिस्टर है। तो देखिए, इसके दोनों ट्रांजिस्टरों में चाहे NPN हो या PNP, इनके कलेक्टर हमारी सप्लाई के साथ कनेक्ट होते हैं। तो 1943 का माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है, और जो हमारा 5200 होता है इसका कलेक्टर पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। और एमीटर पर एमीटर रेजिस्टेशन लगाकर जिसे हम 0.22 यानी 0.22 ओम की रेजिस्टेशन है जो कि 5 वाट की है, तो इसे हम फीडबैक वाले पॉइंट यानी जहाँ से आउटपुट मिलता है उसी से कनेक्ट कर देते हैं। और बेस पर हम एक 10 ओम की रेजिस्टेशन लगाकर यहाँ पर इस बी माइनस से कनेक्ट कर देते हैं, और पॉजिटिव साइड के ट्रांजिस्टर की बेस को हम यानी 5200 की बेस को हम यहाँ पर बी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और हमारा ये फीडबैक वाला पॉइंट फीडबैक के साथ कनेक्ट हो जाता है, और माइनस वाला माइनस के साथ, और ये GND के साथ कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर प्लस प्लस के साथ इस ड्राइवर बोर्ड में कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर सिंगल पेयर की आउटपुट को एक्सप्लेन किया, उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें 3 पेयर आउटपुट स्टेज सॉरी 4 पेयर आउटपुट स्टेज के ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगेंगे, यानी टोटल इसमें 8 ट्रांजिस्टर लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको 4 पेयर की आउटपुट स्टेज नज़र आ गई होगी। देखिए, 3 पेयर ये रहे और 1 पेयर हमारा यहाँ पर रहा, तो मैंने यहाँ पर NPN लिखा है, यहाँ पर PNP। तो देखिए, यहाँ पर 1943 के ट्रांजिस्टर हैं। अदरवाइज यदि आप कोई और ट्रांजिस्टर लगाना चाहते तो आपको सभी ट्रांजिस्टरों को चेंज करना होगा। जैसे यदि आप यहाँ पर 3055 लगाना चाहते हैं तो 3055 4 ट्रांजिस्टर लगाएंगे, यहाँ पर आप 1955 के 4 ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट यानी 1 पेयर को समझाया था, उसी प्रकार से ये सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पर कनेक्ट हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक जुबल नेटवर्क भी लगाना होता है आउटपुट स्टेज में। तो जुबल नेटवर्क में क्या होता है, एक PF होता है जो 104 का होता है, आप उसे लगा सकते हैं, यहाँ पर अदर PF लगा सकते हैं, जैसे 100 PF। ऑलमोस्ट जो सभी एम्पलीफायर होते हैं उसमें यही 104 का PF लगा होता है। और इसके बाद आपको 10 ओम की रेजिस्टेशन जो कि करीब 2 वाट या फिर 3 वाट की आप लगा सकते हैं, वो इसे GND के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें आउटपुट के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेशन यूज किया जाता है जो कि 10 ओम 5 वाट का होता है, एक इंडक्टर भी यूज किया जाता है जिसे आप 5 मिली हेनरी का यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाता है,
यहाँ पर आप अपना स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओम मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसे इस प्रकार से ड्रॉ किया है, जो कि मैं हर एम्पलीफायर में बता देता हूँ। तो कई बार आप यहाँ पर 4 ओम का स्पीकर आराम से बजा सकते हैं, क्यों 2 ओम पर ये 2 ओम का लोड नहीं लेगा क्योंकि इसमें केवल 4 ही पेरे ट्रांजिस्टर ऐड हैं, तो ये 2 ओम पर वर्क नहीं करेगा। यदि आप 2 ओम का लोड डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फैन वगैरह यानी कूलिंग का इंतज़ाम प्रॉपर करना होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस आउटपुट स्ट्रिप से आउटपुट देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये आउटपुट स्ट्रिप समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम इसमें ड्राइवर बोर्ड को भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे ड्राइवर बोर्ड का पॉजिटिव पॉइंट है ये हमारे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये बी प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फीडबैक वाला फीडबैक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, बी माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर जी एन डी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो भी यहाँ पर सिग्नल देंगे इस पॉइंट पर, मैं इसकी पूरा फोटो आपको PDF के रूप में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। तो देखिए आप जहां जो भी यहां पर इनपुट वाले पॉइंट पर इनपुट देंगे वो उसका आउटपुट आपको इस स्पीकर से देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि एक आउटपुट स्ट्रिप कैसे बनाई जाती है। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है ये एम्पलीफायर सेक्शन, केवल इसमें ट्रांसफार्मर और इसकी पावर सप्लाई ऐड करना बाकी है, और BT वगैरह बोर्ड आप लगाकर इससे आउटपुट ले सकते हैं। अदरवाइज बिना BT बोर्ड के भी आप इससे अच्छी खासी आउटपुट ले सकते हैं, जो कि आप जैसे एक्टिव क्रॉस ओवर लगाकर इससे आउटपुट ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली म्यूजिक प्ले करके आप आउटपुट ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये आउटपुट स्ट्रिप समझ में आई होगी, और यदि नहीं आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जुगल नेटवर्क लगाना कंपल्सरी होता है, इसी से हमारी साउंड की क्वालिटी डिसाइड होती है, अदरवाइज आपको यहाँ पर साउंड की क्वालिटी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, यानी थोड़ी फटी फटी सी साउंड देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस जुगल नेटवर्क का यहाँ पर ध्यान रखिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।